हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केने से जो के आर। टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 1.1। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑफ योर चैप्टर इंटीजर्स। दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर सेवेंथ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं आज के इस एक्सरसाइज को फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। दी गई नंबर लाइन यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दी है एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। फर्स्ट यहाँ पर देखिए, लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है, बेंगलुरु है। सो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट यहाँ पर ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। ओके, तो फर्स्ट का यहाँ पर हमें सॉल्यूशन लिखना है। सो नंबर लाइन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर -10 है, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25। सो नंबर लाइन को ऑब्जर्व करिए एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर लाहौल स्पीति का देखिए क्या है टेम्परेचर, तो यहाँ पर -10 दिख रहा है, यहाँ पर -5, तो इनके बीच में यहाँ पर ये टेम्परेचर है। सो ये -5, तो ये -6, -7, -8, तो यहाँ पर आ जाता है -8। तो फर्स्ट यहाँ पर लाहौल स्पीति का यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सो वी गेट -8 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट श्रीनगर, श्रीनगर का देखिए क्या है, यहाँ पर श्रीनगर का टेम्परेचर है यहाँ पर 0 है, सो 0, -1 एंड -2, ठीक है। सो वी गेट -2 एज आवर आंसर, तो यहाँ पर आ जाता है -2 डिग्री सेल्सियस ऑफ श्रीनगर टेम्परेचर। देन शिमला का टेम्परेचर हमें यहाँ पर लिखना है, तो शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का टेम्परेचर कितना है, तो ऊटी का है यहाँ पर 14, उसके पहले 1, तो यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस है ऊटी का टेम्परेचर। एंड बेंगलुरु का है 20, 21, 22। सो बेंगलुरु का यहाँ पर हमें टेम्परेचर मिलता है 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द अबव। तो सबसे कोल्डेस्ट कौन है, सबसे हॉटेस्ट कौन है, तो सबसे हॉटेस्ट है बेंगलुरु एंड सबसे कोल्डेस्ट है लाहौल स्पीति, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, सो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस इन ब्रैकेट -8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है, सही में करेक्ट। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, तो हमें क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स यहाँ पर बनाना है। सो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 वी गेट 30 डिग्री सेल्सियस। तो इनका डिफरेंस कितने का है, 30 डिग्री सेल्सियस का इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, वॉट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस, इसका है -8 डिग्री सेल्सियस। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले -8 इनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो -2 देखिए दोनों भी निगेटिव वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर सब्ट्रैक कर लेना है या एडिशन करना है, जल्दी से बताओ। यस, वी नीड टू बी सब्ट्रैक देम, सो दैट्स वाई 8 एंड 2 यहाँ पर आ जाता है 6। साइन देना है निगेटिव का, सो वी गेट -6 डिग्री सेल्सियस। इसका डिफरेंस कितना आ गया, -6 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। आई बात समझ में, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो हमने देखिए श्रीनगर यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस था एंड आफ्टर दैट लाहौल स्पीति का यहाँ पर था -8 डिग्री सेल्सियस, सो वी गेट द डिफरेंस -6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, ठीक है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर एंड शिमला का टेम्परेचर, देखिए कहाँ पर है श्रीनगर का टेम्परेचर, यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस है एंड शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों को ऐड कर हम करते हैं, -2 + 5, वी नीड टू बी सब्ट्रैक्ट देम, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन देना है बिगर वन का, सो वी गेट +3 डिग्री सेल्सियस एंड इज लेस देन शिमला। शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला दोनों को एक साथ लेते हैं, सो इट्स विल लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, ओके, एंड इट इज ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर है माइनस
2 डिग्री सेल्सियस, तो 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही बन जाता है। ओके, आई थिंक आपको अभी समझ में आ चुका होगा इस सभी क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, पॉजिटिव मार्क्स दिया है करेक्ट आंसर के लिए एंड निगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, निगेटिव मार्क्स दिया है इनकरेक्ट आंसर के लिए। देखिए, सो इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, उसके टोटल क्या है हमें बतानी है। देखिए, यहाँ पर 25 है, -5 है, -10 है, 15 है एंड आफ्टर दैट 10 है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो भी यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है उनको ऐड कर लेते हैं। सो 25 प्लस 10 आ जाता है 35, 35 प्लस 15 मतलब क्या आ जाएगा 40 एंड 50, सो वी गेट 50 यहाँ पर एडिशन। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम माइनस 10 यहाँ पर कर लेते हो, सो वी गेट 40 एंड 40 में से 5 गया तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो इसकी टोटल कितनी बनी 35। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमने क्या किया यहाँ पर, इन सभी को यहाँ पर ऐड किया है। ओके, तो इन इजीएस्ट वे से हमने इसे फाइंड आउट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल देते हैं, तो हमने क्या किया, इन सभी को ऐड किया एंड वी गेट द आंसर 35। तो यहाँ पर कितने मार्क्स मिले उसे 35। सो जैक्स टोटल स्कोर एट द एंड इज 35, कितना है 35। एंड नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, मंडे को यहाँ पर -5 डिग्री सेल्सियस था एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस। अभी देखिए उन्होंने क्या कहा है, ड्रॉप हुआ है मतलब कम हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस से ऑन ट्यूजडे, वॉट वॉज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे पे कितना टेम्परेचर था, ऑन वेनसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, वॉट वॉज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। ओके, वेनसडे को कितना टेम्परेचर था एंड ट्यूजडे पे कौन सा टेम्परेचर था हमें बताना है। तो सबसे पहले मंडे का टेम्परेचर कितना था, सो वी राइट मंडेज टेम्परेचर। ओके, सो मंडे का टेम्परेचर यहाँ पर है -5 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स -5 डिग्री सेल्सियस, अभी उन्होंने क्या कहा है, ऑन द ट्यूजडे टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे एट श्रीनगर इज ड्रॉप बाई, ये क्या हुआ है, कम हुआ है, मतलब हमें क्या करना है, इसमें से निगेटिव माइनस करना है। सो ट्यूजडे का टेम्परेचर क्या होगा, सो ट्यूजडे का टेम्परेचर इज इक्वल टू -5 -2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस माइनस प्लस, साइन देना है नेगेटिव का, सो वी गेट 7 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें आंसर कितना मिला -7 डिग्री सेल्सियस। तो ऑन द ट्यूजडे ड्रॉप हुआ है, कम हुआ है, तो स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो दैट -5 के नीचे आना है, तो -5 के आगे 6 एंड -7, सो वी गेट द आंसर -7 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूजडे पे था -7 डिग्री सेल्सियस, अभी उन्होंने क्या कहा है, वेनसडे पे ये रोज हुआ है, बढ़ गया है 4 डिग्री सेल्सियस से, सो ऑन द वेनसडे, ठीक है, सो वेनसडे का टेम्परेचर कितना आ जाएगा -7 प्लस 4, सो प्लस माइनस माइनस, साइन देना है बिगर वन का, ये रूल ऑलरेडी आपको पता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 7 माइनस 4 3, साइन आ जाएगा 7 का, तो यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस। तो ऑन द वेनसडे टेम्परेचर कितना है -3 डिग्री सेल्सियस, सो दस अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वी गेट द फाइनल आंसर द टेम्परेचर, ओके द टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे एंड वेनसडे, ओके वेनसडे वॉज -7 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबाउ द सी लेवल, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबाउ अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, वॉट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है हमें बताना है। देखिए यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पर उसे हम 0 मार्क करेंगे, उसके नीचे आ जाएंगे निगेटिव नंबर्स, उसके ऊपर आ जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स, तो ये ऊपर है 5000 और ये नीचे है 1200, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब इन दोनों का यहाँ पर कितना है डिस्टेंस,
तो यहाँ पर ये टोटल कितना है हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। सो दैट्स वाई देखिए स्टूडेंट्स, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 5000, करेक्ट। सो वी राइट डाउन गिवन डेटा। सो प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में, इज इक्वल टू पॉजिटिव 5000 मीटर्स। देन आफ्टर दैट डेप्थ ऑफ सबमरीन, डेप्थ ऑफ सबमरीन क्या है यहाँ पर, सबमरीन की डेप्थ यहाँ पर है जीरो के नीचे, मतलब अंडर है तो माइनस 1200 डिग्री, यहाँ पर 1200 आ जाएगा, ओके। सो 1200 मीटर्स। नाउ वी नीड टू बी एड दिस टू नंबर्स। सो देखिए यहाँ पर उनके हमें क्या करना है, यहाँ पर उनका डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो इन दोनों का डिफरेंस वी गेट द आंसर। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए 7 माइनस 2 करते हैं। उसी तरीके से इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, यस 1200 को हमें सब्ट्रैक करना पड़ेगा फ्रॉम द 5000। सो दैट्स वाई वी गेट द आंसर, देखिए क्या हो जाएगा। सो वी राइट डाउन, हम यहाँ पर लिख लेते हैं द वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस, ओके, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन किसमें, बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, ओके, सबमरीन इज इक्वल टू 5000 मीटर्स माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1200 मीटर्स। सो देखिए यहाँ पर 5000 इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए, सो वी गेट प्लस 1200, ओके। सो यहाँ पर आ जाता है 002 एंड 6, तो 6200 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो इन दोनों का यहाँ पर कितना है डिफरेंस इन दोनों का में, तो यहाँ पर है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6200 मीटर। सो वी राइट डाउन द फाइनल आंसर, हम यहाँ पर लिखेंगे, सो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसका फाइनल आंसर हो जाता है उनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है 6200 मीटर्स का। नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। मोहन डिपॉजिट्स रुपीज 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज रुपीज 1642 फ्रॉम इट। द नेक्स्ट डे इट विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिस्पेक्ट, देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर्स, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, तो मोहन ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है उसके अकाउंट में एंड ऑल्सो उसने नेक्स्ट डे पे कुछ अमाउंट विड्रॉ भी की है, ओके। तो यहाँ पर विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है निगेटिव इंटीजर से, एंड यहाँ पर डिपॉजिट वाला क्या हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बैलेंस कितना है हमें आइडेंटिफाई करना है। सो देखिए, सो विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, सो देन डिपॉजिट अमाउंट ऑफ द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। सो फ्रॉम द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट बाय द मोहन क्या हो जाएगा, बाय द मोहन इज इक्वल टू 2000 रुपीज, ठीक है। सो देन आफ्टर दैट टोटल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक अकाउंट बाय द मोहन क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1642 रुपीज में आ जाएगा। सो देयरफॉर वी राइट डाउन टोटल, ओके, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल अमाउंट विड्रॉल, ओके, फ्रॉम बैंक अकाउंट बाय द मोहन इज इक्वल टू माइनस 1642 रुपीज। सो देयरफॉर बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट क्या हो जाएगा, आफ्टर द विड्रॉन अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस अमाउंट विड्रॉन, सो देयरफॉर बैलेंस इज इक्वल टू अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस
अमाउंट विड्रॉन, ठीक है। सो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाउंट डिपॉजिटेड था 2000 रुपीज का प्लस यहाँ पर माइनस 1642। सो यहाँ पर 2000 देन प्लस माइनस माइनस 1642 एंड वी गेट द आंसर 358 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिला, 3058 रुपीज। सो हेंस द बैलेंस इन मोहन अकाउंट, हम फाइनल आंसर लिखेंगे हेंस द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, ओके, क्या हो जाएगा, इज 358 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर्स, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्स वेस्ट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। तो सबसे पहले रीता गोज 20 किलोमीटर्स टूवर्स ईस्ट, कहा गई है ईस्ट की तरफ गई है 20 किलोमीटर्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट है ए, तो यहाँ पर मैंने ए मार्क कर दिया। तो हम मान के चलते ये हमारा ईस्ट है और इस साइड की तरफ वेस्ट है, ठीक है। सो इस साइड की तरफ आ जाते हैं ईस्ट की तरफ, सो ये है ईस्ट, वो गई है 20 किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है बी पॉइंट, ठीक है। सो फ्रॉम बी, अभी बी से शी मूव्स 30 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, अभी वो वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर्स चली गई है, तो ये है वेस्ट। ये डिस्टेंस कितना था, ये 20 किलोमीटर्स का था, तो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट अ पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट, ओके। तो यहाँ पर ए से जो डिस्टेंस है इस साइड की तरफ हम मान के चलते हैं पॉजिटिव नंबर से हम शो करेंगे, तो उसके राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर से शो करेंगे, ठीक है। सो द डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स द वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। तो यहाँ पर हमें लिखना है, सो द डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स the west will represented by negative integer, okay. So therefore Rita, okay, Rita travel, okay, travels a distance in east direction, कितना है, ये है 20 किलोमीटर्स का, ठीक है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वन क्या है, सो रीता ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन वेस्ट डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, -30। सो देयरफॉर रीता ट्रेवल्स, ओके, ए डिस्टेंस इन वेस्ट डायरेक्शन इज इक्वल टू -30, ओके। सो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए इज इक्वल टू 20 प्लस इन ब्रैकेट -30 एंड वी गेट 20 माइनस 30, तो आता है -10 किलोमीटर्स, मतलब ए पॉइंट से यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन पे 10 किलोमीटर्स पे यहाँ पर फाइनल पोजीशन है, ओके। सो हेंस वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय रीता फ्रॉम पॉइंट ए बाय अ नेगेटिव इंटीजर्स, सो दैट इज -10 किलोमीटर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम,
चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर, इनमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है हमें बताना है. सो फर्स्ट वी कंसिडर द स्क्वायर नंबर वन. तो बाय एडिंग द नंबर्स इन ईच रोज वी गेट, ओके, तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस माइनस 1 वी गेट -4 सही होगा, -5 प्लस -2 इज इक्वल टू होता है -7, यहाँ पर -7, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया. सही ना, सही करेक्ट. यहाँ पर देखिए -5 है, -2 है, वी नीड टू बी गेट -7, बट यहाँ पर +7 उन्होंने लिखा है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया. देन आफ्टर दैट 0 प्लस 3, देखिए 0 प्लस 3, सो वी गेट यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 प्लस 3 का आंसर. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाता है निगेटिव साइन. तो -7 एंड -29, विच वन इज ग्रेटर, -7 इज ग्रेटर देन -29, सो दैट्स वाई हमारा आंसर बन गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 प्लस -24 -15, 36 प्लस -52 -36 यहाँ पर है. सो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का हम एडिशन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 39 -5 प्लस 4 यहाँ पर 9 2 प्लस 1 यहाँ पर 3, सो 39 यहाँ पर बन जाता है, तो 39 -39 वी गेट 0, ओके. देन आफ्टर दैट 36 माइनस, यहाँ पर देखिए 36 है, -, यहाँ पर क्या हो जाता है -52 प्लस 36 प्लस, यहाँ पर देखिए 36 प्लस 36 क्या होगा, 6 प्लस 2 यहाँ पर 2 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 प्लस 3 6 एंड 172 -52 वी गेट यहाँ पर 2 -2 यहाँ पर 0, 7 -5 यहाँ पर 20, सो 0 एंड 20 विच वन इज ग्रेटर, 20 इज ग्रेटर देन 0, सो यहाँ पर ये सिंबल आ गया. देन आफ्टर दैट -20 231 79 51 है, तो इन दोनों का एडिशन कर लीजिए, सो 79 प्लस 51 यहाँ पर 0 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 प्लस यहाँ पर 5 हो जाता है 13, सो 130 एंड -231 है, सो यहाँ पर 231 130 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सो वी गेट 101 बट -101. देन आफ्टर दैट 159 प्लस 89 यहाँ पर है, सो 159 प्लस 81 है, सॉरी यहाँ पर 159 एंड 81 है, सो वो यहाँ पर 0 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 प्लस 8 हो जाता है 4 1 कैरी फॉरवर्ड 240 एंड -399, तो 399 -240 यहाँ पर 9 5 एंड 1 159, बट -159. सो स्टूडेंट्स 101 एंड 159, इन दैट -101 इज ग्रेटर दैन -159, तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन गया. तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, एक वाटर टैंक है उसे यहाँ पर कितने स्टेप्स है, 6 यहाँ पर देखिए उन्होंने दिया है, द मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है, द वॉटर लेवल इज 9th स्टेप, ओके, वॉटर लेवल कहाँ है, 9th स्टेप पे है, तो फर्स्ट हमें आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप, इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच एट द वॉटर लेवल. तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट है, ये सेकेंड हो जाएगी, देन ये थर्ड, देन ये फोर्थ, ऐसे ही हमें आना है 9th स्टेप पे. तो 9th स्टेप पे क्या है, वाटर लेवल है, ओके. तो फर्स्ट उन्होंने क्या कहा है, वो उसने 3 जंप स्टेप डाउन दिया है, देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स, ओके, देन अप, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच वाटर लेवल. जिसका सॉल्यूशन देखिए, द पोजीशन ऑफ मंकी आफ्टर द स्टेप्स, फर्स्ट वन यहाँ पर दिया है, सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट जंप J1 इज द 4th स्टेप, देखिए यहाँ पर J1 कहाँ पर है, यहाँ पर, यह है 4th स्टेप. देन आफ्टर दैट सेकेंड जंप में क्या हो जाएगा, J2 इज द 2nd स्टेप, अगेन वो क्या कहा है उसने, अगेन वो क्या कहा है, बैक गया है 2 स्टेप्स, ओके, तो 2nd स्टेप पे आ गया. देन 3rd स्टेप J3 इज एट द 5th स्टेप एंड 4th जंप यहाँ पर J4 एट 3rd स्टेप, ओके, सो इन द सेम मेनी, ओके, हाउ मेनी जंप्स उसको कितना लगा है, सो यहाँ पर उसे टोटल लगेंगे 11th जंप, ओके. देखिए सबसे पहले ये आ गया 4th प्लेस पे, अगेन 2 गया, अगेन 4 पे अगेन 2 गया, अगेन 4 पे अगेन 2 गया,
अगेन फोर्थ पे, अगेन टू, ऐसे हमें राउंड राउंड करते यहाँ पर कितने स्टेप्स लगे वो हमें आइडेंटिफाई करना है. सो वी रिक्वायर्ड टोटल हाउ मेनी जंप्स, 11th जंप हमें लगे. सो फाइनल आंसर, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जंप्स इज इक्वल टू 11. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है, आफ्टर ड्रिंकिंग वॉटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक. फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव. In how many jumps will he reach back the top step? Okay, देखिए यहाँ पर इसका आंसर monkey's position after the step. देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया है तो first step J1 is the fifth step हो जाएगी. J1 कहाँ पर है, यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी fifth step. Then after that second step jump यहाँ पर J2 आ जाएगी, वो है 7th step पे. Then third step हो जाएगी, then fifth step, then first step. Okay. फिफ्थ जंपर, सो यहाँ पर है इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जंप्स कितने लगे हमें, 5 नंबर ऑफ जंप्स यहाँ पर लगे. एंड थर्ड क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, -3 +2 माइनस समथिंग एंड इज इक्वल टू -8 एंड यहाँ पर 4 -2 प्लस एंड इज इक्वल टू -8. ओके सो इन ए यहाँ पर देखिए सम यहाँ पर -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स. सो व्हाट विल बी द सम इन 8 इन बी रिप्रेजेंट. ओके सो देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी हैव द फॉलोइंग टेबल्स. यहाँ पर जंप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पर है J1 -3 देन +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3. Therefore टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो जाएगी, 3 +2 यहाँ पर देखिए -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3 एंड इज इक्वल टू वी गेट -8. ओके सो विच रिप्रेजेंट द मंकी गोज डाउन बाय 8 स्टेप्स इन केस सेकेंड. ओके यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड स्टेप में, सो जंप्स यहाँ पर देखिए J1 J2 J3 यहाँ पर जंप्स है तो ये फर्स्ट +4 देन -2 +4 देन -2 +4. ओके सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो जाएगी, 4 -2 4 -2 4 इज इक्वल टू 8. सो हियर द मंकी इज गोइंग अप बाय 8 से. ओके तो ऊपर गया तो पॉजिटिव नंबर आ गया 8 एंड जब वो नीचे आए तो -8 आ गया. सही ना, आई थिंक आपको अभी समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है. तीनों भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 यहाँ पर ही एंड हुआ. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.